यस हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ओके सो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज ऑन क्वांट। टॉपिक है हमारा पाइप्स एंड सिस्टम, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पाइप्स वाले क्वेश्चन नहीं करके आते हैं, शायद उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता या फिर उन्हें लगता है कि ये बड़े डिफिकल्ट होते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये टॉपिक जो है ये बहुत बहुत आसान है अगर आप इसको टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से करेंगे। सो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन स्टूडेंट कर पाते हैं बट पाइप्स वाले नहीं कर पाते हैं, बट इनका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, राइट। सो आई विल टेल यू कि आप ऐसे क्वेश्चन कैसे करें, और स्पेशली ये क्वेश्चन आरबीआई सेबी और बाकी बैंक की एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, हमने घर से स्टडी करोना का सेकेंड कैंपेन भी स्टार्ट किया है, सो अगर आपने अभी तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो प्लीज करें। एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको सारे वीडियो सारे लाइव सेशन टाइमली मिलते रहें। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सोहन अनेबल टू हियर। ओके, क्या बाकी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? ओके, वॉइस इज ओके। ओके सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी आपको पता होगा कल बहुत सारे एग्जाम्स का रिजल्ट आया, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ। सो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन उसके अंदर हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड स्टूडेंट, हम लोग बहुत ही जल्दी इन सारे स्टूडेंट्स का, जिन जिन स्टूडेंट से हम बात कर पा रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो हमें अप्रोच कर रहे हैं, और उनकी सक्सेस स्टोरीज हम लोग लेके आएंगे, जो जो स्टूडेंट भी उसके अंदर सिलेक्ट हुए हैं। सो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट उस एग्जाम में सिलेक्ट हुआ है तो प्लीज लिख के बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम का, ये एक बार आप खुद से ट्राई करिए, देन मैं आपको इसका बेस्ट अप्रोच बताता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। देयर आर टू पाइप्स ए एंड बी व्हिच कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर्स एंड 8 आवर्स। सो जो ए पाइप है वो उसको 12 आवर्स में फिल करती है एक टैंक को। पाइप से तो वो या फिल करेंगी या एम्प्टी करेंगी, तो यहाँ पे पढ़ना जरूरी है कि पाइप क्या कर रही है। ए इज फिलिंग द टैंक इन 12 आवर्स एंड बी इज फिलिंग इन 8 आवर्स। Now the next line is there is a leak as well. यहाँ पे एक leak भी है। When all these three pipes means these two A and B and leak, तो तीन pipe हो गई। When these all pipes are active, then they took 12 hours to fill the tank. So now when all the three are working A, B and C, तब 12 hours लगते हैं। तो हमें A का time पता है, हमें B का time पता है, और हमें तीनों का time पता है, जिसमें से जो third pipe है वो leak है, मतलब वो एम्प्टी करती है। सो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम इन विच द लीक अलोन कैन एम्प्टी द होल टैंक। तो आपको ए का टाइम पता है, आपको बी का टाइम पता है, लेकिन आपको सी का टाइम निकालना है। यू हैव टू फाइंड द टाइम इन विच सी अलोन कैन एम्प्टी दिस टैंक, बिकॉज सी इज अ लीक। तो हमने सी को यहाँ पे लीक माना है, तो बताइए सी कितने आवर्स में ये टैंक को एम्प्टी करेगा। So, दो स्टूडेंट का आंसर आ गया है, शिवम गोयल एंड निदेश, और वो कह रहे हैं इसका आंसर है 8 आवर्स। वेरी वेरी गुड शिवम एंड निदेश। अंकिता का भी आंसर आ गया है सी, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। सो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं घबराइएगा, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ। तो इसको आप वही टाइम एंड वर्क के मेथड से करिएगा जो एलसीएम लेके हम करते हैं। दिस इज द बेस्ट अप्रोच। आप एलसीएम निकाल लीजिए एंड दैट एलसीएम अज्यूम कर लीजिए उसको कि वो हमारा टोटल टैंक है, मतलब वो पूरे टैंक की कैपेसिटी है, इसको आप अज्यूम कर लीजिए।
तो हम यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे। सो 12 और 8 का एलसीएम, यानी कि कोई भी ऐसा मल्टीपल ले लो जो 12 और 8 दोनों का हो। सो वी कैन सी 24 इज मल्टीपल ऑफ 12 एज वेल एज 8। तो ये हमारा एलसीएम है, और इसे हमने क्या मानना है, ये हमारी टोटल कैपेसिटी है ऑफ टैंक, यानी कि इतना हमारा टैंक है। अब आप क्या करिए, इनको डिवाइड कर दीजिए हर एक को। 24/12 ये 2 आ गया, 24/8 ये 3 आ गया, और 24/12 आ गया 2। अब ये जो नीचे नंबर है ये क्या आया, ये उनका पर आर का वर्क आ गया। पर आर कितना काम वो कर सकते हैं, इट मीन्स ए पर आर 2 फिल कर सकता है, 2 लीटर। मान लीजिए टोटल टैंक 24 लीटर है, तो पहले वाला 2 लीटर फिल कर सकता है और दूसरे वाला 3 लीटर पर फिल कर सकता है, और तीनों मिलके जब फिल करते हैं तो 2 लीटर फिल करते हैं। देखिए, आपको ए का काम पता चल गया, आपको बी का काम पता चल गया, आपको तीनों का काम पता चल गया, लेकिन आपको निकालना किसका काम है, सी का। सो आप थर्ड पर्सन का काम कैसे निकालेंगे, आप थर्ड पर्सन का काम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है कि आप क्या करें, आप तीन लोगों के काम में से, आप तीन लोगों के काम में से इन दो लोगों का काम माइनस कर दीजिए। अगर आपको सी का काम निकालना है तो उसका बेस्ट क्या मेथड है कि तीन लोगों के काम में से आप दो लोगों का काम माइनस कर दीजिए। तो तीनों का काम कितना है, 2 लीटर फिल करना, और इन दोनों का काम कितना है, 2+3 5 लीटर फिल करना। इसका मतलब जो सी है वो अकेला पर आर में कितना एम्प्टी करता है। अब ये एम्प्टी ही क्यों करता है, क्योंकि खुद देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, यहाँ पे एम्प्टी करना। देखिए, जब कोई चीज फिल कर रही है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा, और अगर कोई चीज एम्प्टी कर रही है तो उसका रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। तो सी का काम है -3, इसका मतलब पर आर 3 लीटर खाली करता है। एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम इन विच दिस सी लीक कैन एम्प्टी द होल टैंक। तो पूरा टैंक कितना है, 24, और पर आर में वो कर कितना सकता है खाली, 3, तो उसे कितना टाइम लगेगा, 8 आवर्स। आपको टाइम निकालना है, पर आर में तो 3 खाली करता है, तो 24 खाली करने में कितना आर लगेगा, 8 आवर्स। गुड मॉर्निंग सुशील, सोहन आपका आंसर भी सही है, वेरी गुड। तो 4 स्टूडेंट्स आर एबल टू आंसर दिस, शिवम, निधीश, अंकिता और सोहन, वेरी गुड। सो अब बाकी स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया, अब मैं ये सेम क्वेश्चन फिर से पूछता हूँ वैल्यूज चेंज करके। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा कि हमने इसमें करना क्या था। ए का 12 है, बी का 8 है, और तीनों पाइप का जो टाइम था वो 12 था। तो हमें फटाफट से इसका एलसीएम लेना है और फिर इनका रेशो ले लेना है। ये तीनों का काम है, ये दो का काम है, तो माइनस कर दीजिए, यानी कि सी आपका 3 खाली करता है, तो 24 खाली करने में उसको कितने आवर्स लगेंगे, देखिए कितना सिंपल है, 8 आवर्स इसका आंसर आ गया। हेलो एस्पिरेंट, तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मैंने सिर्फ वैल्यूज चेंज किए हैं। सो अब मैं चाहूंगा कि जितने स्टूडेंट यहाँ क्लास में है सबका आंसर आ जाए। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, ए को 30 आवर्स लगते हैं, बी को 15 आवर्स लगते हैं, एंड व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर एक्टिव तो उनको 12 आवर्स 30 मिनट लगते हैं, मतलब 12.5 आवर्स लगते हैं, और यू कैन से इट इज 25/2 आवर्स। सो बताइए क्या आंसर है, सेम क्वेश्चन है, बताइए सी को कितना टाइम लगेगा, बताइए डी को कितना टाइम लगेगा टू एम्प्टी द होल टैंक। तो ये क्या आंसर है, ओके निधीश का पहला आंसर आ गया है, दैट इज 50। वेरी गुड, राइट आंसर निधीश, बाकी लोग भी बताइए क्या आंसर है, निकला या नहीं।
अच्छा ये ध्यान रखिए, जब भी हमें फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना होता है, कई बार हमारे एग्जाम में जो नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन होते हैं, तो उस केस में एलसीएम हमें न्यूमरेटर का ही लेना है, डिनोमिनेटर का हम एचसीएफ लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप ऊपर वाले तीनों नंबर का एलसीएम लेंगे तो 150 है, बट नीचे एलसीएम नहीं लेना है, डिनोमिनेटर में यू विल टेक एचसीएफ, और एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन। या मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं वन वन और टू में, तो वन ही कॉमन है, टू तो कॉमन है ही नहीं सब में, इसलिए इनका जो एलसीएम आएगा दैट इज 150। अब तीनों को डिवाइड करके इनका पर आर का वर्क निकाल लेते हैं, तो आ गया 5, 10 और ये आ गया 12। 150 को जब आप 25 बाय 2 से डिवाइड करोगे तो ये 6 पे कैंसिल होगा, 6 इंटू 2 आ जाएगा 12। तो ये तीन लोगों का काम है, उसमें से पहले दो का काम है 15। So, तीन का काम है 12 और दो का काम है 15, तो सी का काम क्या आ जाएगा 12 माइनस 15, इसका मतलब वो पर आर में कितने लीटर खाली कर रहा है 3 लीटर, राइट। और करना कितना खाली है 150, तो 150 करना है और पर आर में 3 लीटर खाली होता है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 50 आवर्स सी को अकेला एम्प्टी करने में। सो आई होप समझ में आ गया होगा। और अंकिता, एस्पिरेंट सोहन का आंसर आ गया है, निधिश का भी आ गया है, वेरी गुड, 50 इज द राइट आंसर। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, ट्राई करिए फटाफट से करने का, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी। एक पाइप को 1 आवर का टाइम लगता है फिल करने में, सेकेंड टैप एम्प्टी करती है, और थर्ड टैप है मान लीजिए सी, उसको 1/2 आवर का टाइम लगता है। इफ ऑल द टाइप्स आर ओपन देन द टैंक गेट्स एम्प्टी इन 1 आवर। अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, पहला वाला फिल करता है, सेकेंड वाला एम्प्टी करता है, और थर्ड वाला फिल करता है। And these all pipes can empty the tank in 1 hour. मतलब इस बार तीनों मिलके भी empty कर रही हैं। So आपको बताना है second tap को कितना time लगेगा empty करने में। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप fill कर रहे हैं या empty कर रहे हैं। अगर fill कर रहे हैं तो उस work को आप positive लेके चलेंगे पहले से ही। And अगर कोई pipe empty कर रही है तो उसको negative लेके चलेंगे। Okay, निधीश कह रहे हैं 4 आवर्स लगेंगे। कितना टाइम लगेगा सेकेंड पाइप को एम्प्टी करने में? तो पहला आंसर निधीश का आया है, बाकी लोग बताइए क्या आंसर है। यस प्लीज, क्या आंसर है बताइए। ओके, एस्पिरेंट का आंसर आ गया है 2 आवर्स और सोहन कह रहे हैं 1/3 आवर्स। ओके, आई डोंट थिंक कि इनमें से कोई भी आंसर सही है। चलिए देखते हैं कैसे करना है, कुछ गड़बड़ करिए आप सबने। सबसे पहले एलसीएम बताइए, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 1/2 का एलसीएम क्या होगा? 1 ही लेंगे, बड़े वाला ही लेंगे ऑब्वियसली। तो मान लेते हैं पूरा टैंक जो है हमारा, निधीश का आंसर अब फाइनली सही आया है, पहले उल्टा बताया था, 4 नहीं आएगा, 1/4 आएगा, वेरी गुड, 1/4 आवर्स इज द फाइनल आंसर। अंकिता 30 मिनट सही नहीं है, गलत है, 1/4 आवर्स इज द फाइनल आंसर। चलिए ध्यान से देखिए, एलसीएम 1 लीटर है, देखिए हमें 1 और 1.5 और 1 का एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम 1 आएगा, क्योंकि इन सब का एलसीएम 1 है और नीचे कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसलिए एलसीएम 1 आएगा।
अब इनकी एफिशिएंसी या पर आर का वर्क डिवाइड करके निकालिए, ये 1 आएगा, फिर ये डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और फिर ये डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन ये आपको -1 लिखना है, बिकॉज व्हेन ऑल द 3 पाइप्स वर ओपन देन द टैंक वॉज गेटिंग एम्प्टी। तो ये तीनों मिलके काम नेगेटिव करते हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अगर आपने यहाँ पे 1 लिखा है तो ये गलती है, राइट। सो नाउ यू कैन फाइंड द टाइम ऑफ सी, बिकॉज तीनों का टाइम मिल गया है, ए का टाइम मिल गया है, सी का टाइम मिल गया है, सॉरी बी का टाइम निकालेंगे, बिकॉज तीनों का टाइम है, ए का टाइम है, सी का टाइम है, तो बी का टाइम भी वैसे ही निकालेंगे कि तीनों के काम में से फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन का काम हम जो है माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड का काम कितना है, 3, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा -4। इट मीन्स बी यानी कि जो सेकेंड पाइप है वो पर आर में 4 लीटर एम्प्टी करती है, राइट। तो उसको पूरा टैंक जो कि 1 लीटर हमने अज्यूम किया था, कितना टाइम लगेगा उसको करने में, तो 1 करना है, बट वो कर कितना सकती है पूरे आर में 4 लीटर, तो इतना उसको टाइम लगेगा एम्प्टी करने में। टोटल ये है पर वो कर सकती है पर आर में 4 लीटर, सो इसलिए जो आपका आंसर है वो है 1/4 आर्स, राइट। सो आई होप जिन्होंने गलती करी वो समझ गए होंगे कि क्या गलती थी, कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे थे। अंकिता, ओके, सिंधु 1 क्यों कह रहे हैं, आंसर तो 1/4 है। आई होप ये सबको समझ आ गया। देखिए ए का टाइम 1 था और सी का टाइम जो है वो हाफ आर है और तीनों का टाइम है 1 आर में। फिर से बता देता हूँ, एलसीएम जो है वो 1 है, रेशियो आ गया 1, 2 एंड -1। अब तीनों के काम में से जब इन दो लोगों का काम माइनस करोगे तो ध्यान से करना है, -1 में से -3 करेंगे तो -4 आएगा। इसका मतलब जो बी पाइप है वो पर आर में 4 लीटर एम्प्टी कर सकती है, लेकिन करना तो 1 खाली है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 1 करना है पर कर कितना सकता है, 4, सॉरी बी का टाइम। तो आंसर आ जाएगा 1/4 आवर्स, और अगर आपको मिनट में बताना हो आंसर तो 15 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। Yes, तो ये माइनस मिस हो जाता है, इसकी इसको आपको बहुत ध्यान से करना है, ये जरूर पढ़ना है इन क्वेश्चन में कि वो पाइप फिल कर रही है या एम्प्टी कर रही है, अगर ये नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन गलत। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। ओके अंकिता, क्लियर, वेरी गुड। यस एस्पिरेंट, सेकेंड एम्प्टी करता है तो वो माइनस आएगा अपने आप। ओके सो अंकिता पूछ रहे हैं एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है, वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एलसीएम निकालने में टाइम लगा देंगे तो वेस्ट हो जाएगा टाइम। सो एलसीएम निकालने का बेस्ट वे क्या है, पहली बात तो जैसे अगर हमारे पास कई बार नंबर बड़े सिंपल होते हैं और उसका एलसीएम लेना है, तो ये तो आप कोई इनकी टेबल पे जो कॉमन नंबर हो फर्स्ट वाला वो खुद से सोच लीजिए, अगर आप माइंड में सोच सकते हैं, जैसे कि 9 और 12 की टेबल पे आता है 36, तो आप ये एलसीएम अज्यूम कर ले। वैसे तो और भी नंबर आते हैं जैसे 72, 144, बहुत सारे आते हैं, बट हमें लोएस्ट लेना है, जितना छोटा नंबर लेंगे उतनी हमारी कैलकुलेशन आसान होगी, राइट। सो पहला तरीका ये कि आप इसका मल्टीपल वैसे ही आप टेबल में माइंड में अगर ढूंढ सकते हैं, दैट इज वेरी गुड। अदरवाइज आप क्या करें, अगर मुझे इसका एलसीएम लेना है तो व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच, कि ये जो आपका फर्स्ट नंबर है इसे आप कंप्लीट लिख लें, 9 लिख लें, लेकिन ब्रेक करके लिखें। जैसे कि 9 को हमने लिख लिया 3 × 3, ये हमने 9 पूरा लिख लिया। अब जो नेक्स्ट नंबर है उसमें से आपको सिर्फ वो वाला पार्ट यहाँ पे लिखना है विच इज नॉट हेयर, विच इज नॉट प्रेजेंट हेयर। जैसे 12 का ब्रेकअप होता है 3 × 4, बट 3 तो आपने यहाँ लिख रखा है, तो द पार्ट विच इज मिसिंग विच इज नॉट हेयर वो आप लिख दीजिए। मतलब ना तो ये फर्स्ट 2 यहाँ पे है ना ये सेकेंड 2 यहाँ पे है, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा, राइट। इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई होप समझ में आ गया होगा कि जो पहला नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है, वो कंप्लीटली लिख लीजिए ब्रेकअप उसका करके, एंड नेक्स्ट नंबर में से सिर्फ जो नहीं है वो लिखना है। इससे क्या फायदा होगा, आप अगर आपके पास बहुत सारे नंबर हैं तो भी आप उसका एलसीएम बड़े आराम से ले पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें इनका एलसीएम लेना है 9, 12 और 15,
तो 9 को आप क्या लिख लीजिए, 3 इंटू 3। अब 12 क्या होता है, 3 इंटू 4 होता है। तो देखिए 3 तो हमारे पास है लेकिन ये 4 नहीं है, तो 4 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 15 का ब्रेकअप क्या होता है, 15 का ब्रेकअप होता है 3 इंटू 5। अब देखिए क्या है और क्या नहीं है, 3 तो है, क्या नहीं है, 5 है, 5 नहीं है तो 5 लगा दिया। तो ये आपका एलसीएम आ गया 10 इंटू 20 इंटू 3, ये आपका एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई कर लो, दैट्स इट। अब ये नहीं करने बैठ जाना कि वो पुराना काम जो छोटी क्लासेस में सीखा था वो करने बैठ जाओ, राइट। जैसे कि पहले इनमें देखा क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो ये 3 से डिवाइड कर दिया, 3, 4, 5 फिर किया। सो इससे टाइम ज्यादा लगेगा, और कई बच्चे तो यहाँ पे भी पूरे मजे लेते हैं, जैसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे फिर 1, 4, 5 लिखेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे फिर 1, 1, 5 लिखेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे फिर 1, 1, 1 लिखेंगे। तो जब तक 1, 1, 1, 1 नहीं आता तब तक उनको मजा नहीं आता। तो ये काम बड़ा लंबा है, इसको मत करें, आप एलसीएम ऐसे निकालें, राइट। सो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं 12, 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा? तो मैंने आपको ट्रिक बताई उससे निकालना है। वेरी गुड एस्पिरेंट सोहन। सो 12 को ब्रेक करके लिख लीजिए, 4 इंटू 3 होता है, 15 में 3 तो है 5 नहीं है, 18 होता है 2 इंटू 9। अब ये देखिए 2 तो है, 9 क्या होता है, 3 इंटू 3। अब एक 3 तो आपके पास यहाँ पे है बट ये सेकेंड 3 मिसिंग है, तो ये एक्स्ट्रा और लगा दो और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा ट्रिक, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ट्राई करिए। ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 30 आवर्स, बी पाइप कैन फिल ए टैंक इन 50 आवर्स। If the tank is already 2/5 full and then A is open for first 6 hours, then it is closed. So, bataiye how much time B will take to fill the remaining tank. Aise question bhi aate hain ki ek ko beech mein chalaya, fir band kar diya, fir dusra kaam karega, to kitne time mein karega. To ye question time and work mein bhi aate hain, ye same question pipes mein bhi aa jate hain. So, funda same hai, karna waise hi hai, LCM ke through karna hai. बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई एम्प्टी कर रहा है तो उसका काम आपको माइनस में लेना है। ओके, निधिश कह रहे हैं आंसर उनका आ गया है 20। ओके, सोहन का भी आ गया है 20 आवर्स। अंकिता का भी आ गया है 20 आवर्स। ओके वेरी गुड, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। तो इनका एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगा एलसीएम, 150। अब ये फिल कर रहे हैं तो ये 5 लेंगे और ये फिल कर रहा है तो ये 3 पॉजिटिव लेंगे। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि जो टोटल टैंक था उसका 2/5 तो फुल ही था, तो 2/5 कितना होता है, 60। इट मीन 60 तो फुल है, तो बचा हुआ कितना है, 90 जो हमें फिल करना है, राइट। अब इसमें क्या हुआ, ए को ओपन किया गया फॉर फर्स्ट 6 आवर्स, तो वो फर्स्ट 6 आवर्स में कितना फिल कर लेगी, 30, तो रिमेनिंग कितना है जो हमें भरना है, 60। अब ये 60 कौन भरेगी, ए को बंद कर दिया है, बी भरेगी। सो बी पर आवर में 3 भरती है तो इसको 60 भरने में कितने आवर्स लगेंगे, 20 आवर्स। वेरी गुड, सही आंसर है आपका, राइट।
इसमें 2/5 ऑलरेडी फुल था, 60 फुल था, तो बचा कितना 90। अब ए ने 6 आवर्स में कितना कर दिया है 30, तो रिमेनिंग कितना है 60, जो कि बी को फिल करना है, और बी पर आवर में 3 यूनिट्स करती है, तो उसको 60 करने में कितने आवर्स लग जाएंगे 20 आवर, तो इसलिए आंसर आ जाएगा हमारा नन ऑफ दीस। चलिए सेम क्वेश्चन फिर से आपके पास, वैल्यूज चेंज है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। सोहन का पहला आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया, जल्दी निकाल रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, और फास्ट करिए बाकी लोग भी। 7.5 अंकिता का भी आ गया है 7.5, तो ए को 16 आर लगते हैं, बी को 20 आर लगते हैं, एलसीएम 80 आ गया है। एलसीएम कैसे लेना है मैंने आपको बता दिया कि 16 को आप ब्रेक करके लिख लीजिए 4 × 5। अब 20 में से आपको दिख रहा है 4 × 4 लिख लिया मैंने मान लो इसको, तो 20 में से 4 तो दिख रहा है बट 5 नहीं है, तो 5 लगा दिया, ये आपका एलसीएम आ जाएगा, तो ये आपका रेशो आ गया 5 और 4। अब इसमें से 1/4 फुल था, तो 1/4 कितना है 20 फुल है, तो रिमेनिंग कितना है 60। अब इसमें से ए को चलाया फॉर फर्स्ट 6 आवर्स, तो इसने 30 और फिल कर दिया, रिमेनिंग 30 है वो बी को फिल करना है, तो बड़ा आसान है, कितने आवर्स लगेंगे 7.5 आवर्स, तो इस बार आंसर आ गया, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ट्राई करिए। प्राजक्ता वेरी गुड, 7.5 सही है। दो पाइप है, पहले को 20 आवर्स लगते हैं फिल करने में, दूसरे को 24 मिनट्स है, और एक वेस्ट पाइप है विच कैन एम्प्टी 6 गैलन्स पर मिनट, ये दिया हुआ है। ऑल द थ्री पाइप्स व्हेन वर्किंग टुगेदर देन दे कैन फिल दिस टैंक इन 15 मिनट, सो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको कैपेसिटी निकालनी पड़ती है। सोहन का आंसर आ गया है और वो कह रहे हैं 120 आंसर है। ओके, सो फर्स्ट आंसर इज बाय सोहन, बाकी लोग बताइए। निधीश का आंसर आया है 240। सो एक आंसर है 120, एक है 240, कौन सा सही है?
अंकिता का भी आ गया है 240, सो यस निधीश एंड अंकिता आप दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। सोहन आपने कुछ गलती करी है, चलिए देखते हैं कैसे करना था ये क्वेश्चन। 240 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। सो अगर हम यहाँ पे देखें ए का जो टाइम है वो है 20, बी का जो टाइम है वो है 24 एंड जो तीनों का टाइम है ए प्लस बी प्लस सी दे कैन फिल दिस टैंक इन 15 आवर्स। ठीक है तो आप क्या करिए आप इन सबका एलसीएम ले लीजिए। ओके सोहन हाँ नेगेटिव नहीं लेना जब तक लिखा ना हो राइट। सो दिस विल बी 120 एलसीएम। सो रेशियो इज 6:5:8। अब तीनों के काम में से इन दोनों का काम 11 माइनस कर देते हैं तो सी का काम आ गया -3 यूनिट्स। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इतना तो हमको करना आता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि जो सी पाइप है उसको ये पूरा करने में कितना आवर्स लगता तब तो आप करते 120/3 40 आवर्स लगते अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया। आपसे क्या पूछा गया है कि जो सी यानी कि वेस्ट पाइप था वो अगर 6 गैलन पर मिनट एम्प्टी करता है तो टोटल टैंक बताइए। तो आपने जो अभी तक निकाला यहीं से आंसर निकल जाएगा। देखिए जब आपका आंसर आया कि सी 3 यूनिट्स खाली करता है 3 यूनिट्स एम्प्टी करता है राइट, तो उस केस में आपका टोटल जो आपने अज्यूम किया था टोटल वर्क टोटल कैपेसिटी वो कितना था 120। तो 120 कब था जब सी कितना एम्प्टी करता था 3। नाउ इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि सी एक्चुअल में कितना खाली करता है 6। तो फिर क्या आप बता सकते हैं कि टोटल कैपेसिटी कितना है, आप इसी रेशो से निकाल लीजिए कि जब सी की वैल्यू 3 थी तो टोटल 120 था लेकिन जब सी 6 करेगा एक्चुअल में तो एक्चुअल कैपेसिटी टैंक की कितनी आएगी। ये देखो ये जो एलसीएम था ये तो हमने अज्यूम किया था ना कि ये हमारा टैंक है लेकिन इसके हिसाब से सी 3 खाली कर रहा है तो 3 के हिसाब से 120 है तो 6 के हिसाब से क्या होगा। तो आप सीधा देखो यहाँ 40 से मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 240। या रेशो से कर लो कि जब 3 था तो टोटल 120 था 6 है तो कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आ जाएगा आंसर आ गया जी 240 गैलन। राइट एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब आप सब कर पाएंगे। तो मैं सेम क्वेश्चन दे रहा हूं फिर से वैल्यूज चेंज है अब आप सब लोग करके बताइए। देखिए मैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स को क्यों दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। आप कोई भी बुक उठाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे तो उसमें क्या होगा मान लीजिए वहां पे आपको 30 टाइप के क्वेश्चन मिल गए तो क्या होता है वो सारे क्वेश्चन अलग अलग होते हैं जनरली, ऐसा नहीं होता कि वो सारे क्वेश्चन सेम है तो वो सारे डिफरेंट होते हैं उन सबकी डिफरेंट अप्रोच होती है। तो आप कभी पहला करते हैं फिर दूसरा करते हैं फिर तीसरा करते हैं मतलब इन सब में डिफरेंट अप्रोच इन सब में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स को बस ये प्रॉब्लम होती है कि वो एक ही टाइप के ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो जब आप एक ही टाइप के ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तभी आप उसके ऊपर अपनी कमांड बना पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपने एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया है तो वैसे क्वेश्चन कम से कम 3-4 और करें राइट, तभी आपको उसके ऊपर कमांड आएगी। अगर एक क्वेश्चन सिर्फ एक बार किया तो वो हो सकता है कुछ टाइम के बाद आप भूल जाएंगे कि उसको कैसे किया था कि उस क्वेश्चन के लिए बेस्ट अप्रोच क्या है। सो बेटर कि आप कोई भी टाइप कर रहे हैं तो उसके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करें सेम टाइप के तभी आप उसको अगली बार फटाफट कर पाएंगे। तो सोहन का आंसर आ गया है 240 ओके पिछले का था। निधीश का आंसर आया है 10.5। निधीश का आंसर आया 10.5 वेरी गुड निधीश वेल डन बिल्कुल सही आंसर है। सो ए जो है वो 7.5 मिनट लेता है बी जो है वो 5 मिनट लेता है सी कैन कैरी 40 लीटर पर मिनट इसको एक बार हम होल्ड पे रखेंगे इस लाइन को और जब तीनों मिलके करते हैं ऑल द पाइप्स
व्हेन द सिस्टर्न इज फुल देन इट इज एम्प्टीड इन 1 आवर। तो ये तीनों मिलके 1 आवर में क्या करती है, ये एम्प्टी करती है, जबकि पहली दोनों फिल कर रही थी। तो इनका एलसीएम ले लिया हमने 15 आ गया, तो रेशो आ जाएगा 2:3-15। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एम्प्टी करती थी तो इसके साइन को आपने अपने आप नेगेटिव रखना है। तो सी का वर्क कितना आएगा, तीनों के वर्क में से ए और बी का वर्क क्या कर देंगे, माइनस। ए और बी का वर्क कितना है, 5। तो -15 -5 विल गिव यू -20, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में वैसा ही क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम हमने किया था कि सी 20 लीटर पर मिनट में एम्प्टी करता है, तो टोटल टैंक कितना था, 15। तो जब सी की वैल्यू 20 थी तो उस टाइम टोटल टैंक कितना था, 15। लेकिन एक्चुअल में सी कितना खाली करता है, 14। तो टोटल टैंक कितना है, तो इसको रेशियो से निकाल लो, 20/15 = 14/x, राइट। सो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10.5, राइट। ये समझ में आया कि इसमें से हमने ये माइनस कर दिया तो -20 आया। तो जब C 20 करता था तो टोटल 15 था, अब C अगर क्वेश्चन के हिसाब से 14 करता है तो टोटल कितना होगा, तो रेशो ले लो। यस, सो हम पूछ रहे हैं कि एलसीएम कैसे आया। तो मैंने आपको बताया था कि पहला वाला 15/2 है, अगला 5 है और ये 1 है। तो एलसीएम आप न्यूमरेटर का लेंगे 15, 5 और 1 का, तो वो 15 ही आना है। और नीचे आप HCF लेंगे किसका, 2 का, 1 का और 1 का, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ही आएगा, इसलिए इसका LCM आएगा 15 लीटर। राइट, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Yes, it is 1 hour. In the last question, जो total time था वो 1 hour था. Okay, ऐसे question बहुत आते हैं. Not clear, अंकिता. Okay, फिर से बताता हूँ. देखिए, A का time था 7.5, B का time था 5, and तीनों मिलके 1 hour में empty कर रहे हैं. तो आपने इसका एलसीएम लिया 15. ये आया 2, ये आया 3। देखो आप सब कुछ ओके, राइट। आई थिंक मैंने यहां पे मिस्टेक किया कि ये 1 आवर था, राइट। सो मैंने उसको 1 मिनट ले लिया। तो या तो आपको मिनट में लेना है या फिर आपको आवर में लेना है। तो यस, यहां पे मिस्टेक हो गई, इसको सही करते हैं। वेरी गुड, पता लगा यहाँ पे 7.5 मिनट है, सेकंड वाला 5 मिनट है, और जब तीनों मिलके करते हैं तो 60 मिनट लेते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब मिनट्स है तो सारे मिनट्स में हो, या फिर आर है तो फिर सारे आर्स में। तो ये गलती नहीं करनी जो हमने अभी की थी, राइट। तो ये इसका एलसीएम आ गया कितना, 60। यस सोहन, एलसीएम 60 आएगा। तो ये 8 आ जाएगा, फिर ये 12 आ जाएगा और फिर ये 1 आ जाएगा, राइट। अब तीनों के काम में से अगर इन दोनों का काम माइनस करेंगे तो 1 - 20 आपका आएगा 19 लीटर। तो सी जब 19 करता था तो टोटल कितना था आपका, 60। तो 1 की वैल्यू आ गई 60/19 और आपका यहाँ पे वैल्यू कितना है, 14। तो उस हिसाब से वैल्यू कितनी आएगी, 60/19 × 14। सो फाइनल आंसर इज 840/9। ये आपका आंसर आएगा, फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा इस बार। इज इट क्लियर, कैलकुलेशन वही रहेगी, बस यहां आपको ये ध्यान रखना था कि ये सारी वैल्यू मिनट्स में लेनी है, या तो आवर्स में लेके चलो सबको या मिनट्स में, ये नहीं कि आधा इसमें ले लिया आधा इसमें ले लिया। वेरी गुड सोहन एंड अंकिता, गुड पॉइंट। अच्छा यहां पे सॉरी, ये -1 था, राइट। तो -1 में से -20 माइनस करेंगे तो ये 21 आएगा, राइट। सो 21 की वैल्यू 60 है, 1 की वैल्यू 60/21 है, तो 14 की वैल्यू क्या आएगी, 60/21 × 14। तो फिर आपका फाइनली आंसर आएगा 40 लीटर।
राइट। सो आई होप ये समझ में आ गया, और करना क्या है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं और प्लस माइनस का ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे फोर फोर फिलिंग पाइप है और थ्री पाइप है जो एम्प्टी करती है। दे आर केपेबल ऑफ फिलिंग इन 12 मिनट ईच, मतलब जो फिलिंग वाली है उसको 12 मिनट लगते हैं और जो एम्प्टी वाली है उसको 15 मिनट लगते हैं। निधिश का आंसर आ गया है 120, वेरी गुड। और पहले वाली जो फिलिंग वाली है फोर पाइप्स है, एम्प्टी वाली थ्री है। सो क्वेश्चन है, इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन दे कैन फिल 16 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट, सो फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, 60 लीटर आ गया और रेशियो आ गया इनका 5 और 4, बट ये सेकेंड वाला आप नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो पहले वाली 5 लीटर फिल कर सकती है, दूसरी वाली 4 लीटर फिल कर सकती है, तो टोटल है 60। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 फिलिंग पाइप थी, मतलब ये वाली 4 थी, तो ये कितना करेंगी 4 पाइप 20, और सेकेंड वाली 3 पाइप है तो ये कितना करेंगी -4 × 3, यानी कि जब ये सारी पाइप मिल जाएंगी तो 1 आवर में कितना फिल करेंगी 8 लीटर, राइट। तो जब ये सारी पाइप मिलके 8 फिल करती है तो टोटल टैंक कितना है 60। तो जब ये टोटल 8 करती है तो टोटल कितना है 60। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, व्हेन ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर दे एक्चुअली फिल 16, तो 8 के हिसाब से 16 है, तो 16 के हिसाब से क्या आएगा, राइट। 8 के हिसाब से 60 है तो 16 के हिसाब से क्या आएगा, ये 8 टूजा है तो ये भी 60 टूजा होना चाहिए, तो 120 वाज राइट। सो निधिश एंड सोहन, बिल्कुल सही है आपका आंसर, राइट, समझ में आ गया। कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे, सिर्फ क्या किया, ये 5 है ये 4 है, अब ये 4 पाइप थी ये 3 पाइप थी, तो तीनों मिलके 1 दोनों मिलके 8 करती है, तो 8 जब करती है तब टोटल 60 था, बट एक्चुअली ये 16 करती है तो टोटल कितना आएगा, रेशो से निकाल लीजिए आंसर आ जाएगा, राइट। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई करिए। ए पाइप है जो कि 14 आवर्स में फिल करती है और जो बी पाइप है वो 21 आवर्स में ड्रेन करती है, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। इफ ए सिस्टम ऑफ एन पाइप्स जिसमें कुछ फिल भी करती है कुछ ड्रेन भी करती है, ये एक साथ काम करे, देन दे कैन फिल द टैंक इन एग्जैक्टली 7 आवर्स। तो कुछ पाइप ये है और कुछ पाइप ये लगी है, तो 7 आवर्स लगता है इनको फिल करने में। So which of following are the possible value of n? So n हमें नहीं पता है, इसकी क्या possible value हो सकती है कि ये दोनों मिलके कुछ pipes मिलके ऐसी pipe कुछ कुछ उसमें fill भी करती हैं कुछ empty भी करती हैं, हमें नहीं पता वो कितनी कितनी pipe है, but total number क्या possible हो सकता है कि वो 7 hours में fill कर दे। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं 42 और रेशो आ जाएगा हमारे पास 3 और -2। अब हमें ये पता है कि ये दोनों पाइप्स मिला के जो इनकी काउंटिंग है वो एन है,
राइट, टोटल जो नंबर ऑफ पाइप्स है वो हमारी नंबर ऑफ पाइप्स जो टोटल है वो एन है, उसमें से ये कितनी है और ये कितनी है ये नहीं पता, और क्वेश्चन में भी ये नहीं बताना कितनी ये है कितनी है, हमें बताना कि एन की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है स्टूडेंट, आप लेट कर लो कि जो पहले वाली नंबर ऑफ पाइप्स है वो एक्स है, तो अगर टोटल एन है उसमें से फर्स्ट वाली एक्स है तो दूसरी कितनी बची, माइनस कर देते हैं एन माइनस एक्स, मतलब फर्स्ट वाली पाइप जो है वो एक्स है और सेकेंड वाली पाइप नंबर में कितनी है एन माइनस एक्स। तो अब इनका वर्क निकालते हैं, देखो फर्स्ट वाली थ्री भरती है, फर्स्ट वाली थ्री फिल करती है, तो एक्स पाइप अगर लगी होगी तो टोटल कितना हो जाएगा थ्री इंटू एक्स, और सेकेंड वाली एक करती है माइनस टू, तो सारी एन माइनस एक्स कितना करेंगी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप इनका टोटल निकालें तो इनका पर आर का वर्क कितना आएगा, आपको पता है कि टोटल 42 आवर्स करने में 42 लीटर भरने में इनको टोटल कितने आवर्स लगे थे 7 आवर्स, तो इनका पर आर का वर्क आ गया है 6 लीटर। क्या ये इक्वेशन समझ में आई, टोटल 7 आवर्स में 42 हुआ, इसका मतलब सारी पाइप्स मिलके पर आर में कितना करती है 6। अब ये वाली करती है 3 बट ये पाइप है मान लेते हैं एक्स, और ये वाली करती है माइनस टू, और ये पाइप कितनी है एन माइनस एक्स क्योंकि टोटल कितनी पाइप्स थी एन। तो यहां से हमारा रिलेशन बन जाएगा, हमें अभी तक हमें क्या मिला 3x माइनस टू इंटू एन माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, तो 3x और ये प्लस 2x 5x माइनस 2n इज इक्वल टू 6 राइट। तो यहां से 5x की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 6 प्लस 2n, 5x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 6 प्लस 2n। तो अब आपको n जो है वो आपको पता है क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, वो आपको ऑप्शन में दे रखा है, तो आपको एक एक करके ये n की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। पुट करते हैं, जैसे n की वैल्यू हम 21 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 प्लस 2 इंटू 21, 42 प्लस 6 48, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 48 बाय 5, मतलब पॉइंट्स में आ गई। आप बताइए क्या ये जो x है मतलब जो नंबर ऑफ पाइप्स है क्या वो डेसिमल में हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। आई होप समझ में आ गया हो कैसे करना है। तो आप बताइए इन तीनों में से कोई और पॉसिबल है, हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन पॉसिबल हो, तो आपको ये आंसर लगाना है, बताइए क्या आंसर है। ओके नीतीश कह रहे हैं ई आंसर है 3 एंड 4। ओके सेकंड पुट करके देखते हैं 13, 13 2 26 प्लस 6 32, ये भी नहीं हो रहा 5 से डिवाइड, फिर 18 करते हैं 18 2 36 54 भी नहीं हो रहा डिवाइड, तो नल, यानी कि इनमें से कोई हमारा आंसर नहीं है, तो इसका आंसर कोई और होगा, नन ऑफ दिस टाइप, मतलब ना तो 1 और 2 है ना 2 और 3 है। बट ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर क्या होता है कि कोई दो केस आ जाते हैं, जैसे 1 एंड 2 कुछ भी हो सकता है, 3 भी आ जाते हैं, तो अभी इनमें से कोई आंसर नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे नन ऑफ दीज। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, सेम क्वेश्चन है वैल्यूज चेंज है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, और अगर इनमें से कोई आंसर नहीं आता तो कोई नन बताइएगा, और इसके बेस पे डेली टेस्ट भी हमारी वेबसाइट पे लाइव है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो दीजिए। कांग्रेचुलेशन जिन जिन का एग्जाम में सिलेक्शन हुआ, और जल्दी ही हम उनकी सक्सेस स्टोरीज भी लेके आएंगे, एंड पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। एंड स्टूडेंट हमारे पास बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज है फॉर आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नबार्ड ग्रेड ए बी, और इनके कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है। कॉम्बो कोर्स बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे इन तीनों एग्जाम में 70% से ज्यादा सिलेबस कॉमन है, तो
अगर आप कॉम्बो कोर्स लेंगे तो एक साथ आप सबकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे कोर्सेज हैं उसके अंदर क्वांट की प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 3500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सिर्फ क्वांट के मिलेंगे हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में, और उसको हमने 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने के लिए। जो हमारे चैप्टर टेस्ट होंगे जो भी टॉपिक के, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है परसेंटेज, तो हमने जो चैप्टर टेस्ट है उनको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इजी लेवल चैप्टर टेस्ट, मॉडरेट लेवल चैप्टर टेस्ट, डिफिकल्ट लेवल चैप्टर टेस्ट, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। तो हमने 3 कैटेगरी तो ये किए हैं, राइट। इसके अलावा हमने 3 और नई कैटेगरी हमारे कोर्स में ऐड की है। आपको हर चैप्टर वाइज आपको वहाँ पे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सा क्वांटिटी ज़्यादा है, कौन सा क्वांटिटी वन है। तो हर चैप्टर में हमने क्वांटिटी बेस्ड वाले क्वेश्चन ऐड किए हैं, और हर चैप्टर में हमने डेटा सफिशेंसी बेस्ड चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। और ऐसे ही किसी भी चैप्टर पे DI भी आ सकता है, किसी भी चैप्टर पे केसलेट DI भी आ सकता है। तो हमने सारे टॉपिक्स जितने भी हमारे क्वांट के हैं उसको हमने 6 तरह के चैप्टर टेस्ट के साथ आपके सारे पॉसिबल केसेस वहाँ पे कवर किए हैं, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, क्वांटिटी, डेटा सफिशिएंसी और DI। सो इसलिए हमारे कोर्सेज को एनरोल करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और सारे मॉक टेस्ट आई एग्जाम भी फ्री हैं, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।